तो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब आई होप दैट यू आर डूइंग फैंटास्टिक तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक प्लगइन के बारे में दैट एक्चुअली डज पैरल कंप्रेशन एंड मे बी थोड़ा उससे और ज़्यादा सी ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में आप बिना पैरल कंप्रेशन के वो जाने या समझे नहीं रह सकते हो या मे uh, बी शायद नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ़ द टाइम्स आई हैवेंट यूज लाइक पैरल कंप्रेशन या सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कोई चीज़ बट समाइम्स इट इज़ हैंडी एज वेल एज जब कोई ऐसा टूल आए विच मेक्स दिस प्रोसेस मच ईजियर तो मे बी आप थोड़ा सा वो काम करने में इंटरेस्टेड हो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये है आई एच एन वाई टू इनका एक वर्जन वन भी था दैट आई लाइक क्वाइट एज वेल बट इस वाले में कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स है सो आई वेल Show you through both of them और ये जो वेबसाइट की लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी दिस be a slow kind of a video अगर आपको you know जानकारी लेना पसंद है explore नई चीज़ें explore करना पसंद है मेरी तरह like हम आप और मैं हम मिलकर ही एकदम इसको एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या हो सकता है नहीं हो सकता है तो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक like वाला बटन भी प्रेस कर दो और चलो कुछ नया सीखते हैं कुछ नया देखते हैं नई पॉसिबिलिटीज अपने म्यूजिक में क्या हो सकता है सो हियर इज़ अ ट्रैक दैट आई एम करेंटली वर्किंग ऑन तो मैं वोकल्स म्यूट रखता हूँ फिलहाल और जैसे कि आपको पता है कि आजकल वी आर रिलीजिंग ऑल ऑफ आवर म्यूजिक ऑन आवर स्टूडियो सिक्स प्रोडक्शंस का जो चैनल है सो यू कैन गो देयर एंड चेक आउट एवर सॉन्ग्स दैट वी आर रिलीजिंग आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रहता है हर चीज़ में मतलब इस जर्नी में और ये ट्रैक कुछ ऐसा साउंड करता है इट्स लाइक फुल्ली प्रोड्यूस्ड तो यहाँ से वोकल्स वगैरह आते हैं एंड देन इज दिस ड्रम ड्रम लाइन लाइन सिंपल सा है सो समथिंग लाइक दिस तो मैं पहला वाला जो प्लग है ना इनका वो मैं दिखा देता हूँ एंड आई वुड से बहुत सारे प्लग इन्स है मेरे पास में बेबी ऑडियो के मैंने बहुत सारे शोकेस भी किए पहले गिव अवेज भी हुए इस चैनल पे एंड आई हैव लाइक एब्सोल्यूटली लव सम प्लगिन मतलब जो मैंने रेगुलरली रेगुलरली इस्तेमाल किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स में एंड uh, तो ये है जो पुराना वाला जो प्लगिन है इनका एन वाई जो वर्जन वन तो ये भी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में एक्सटेंसिवली यूज़ किया है एंड देन देयर इज़ दिस न्यू वन विच इज़ कॉल्ड एन वाई टू जो थोड़ा सा नया और फैंसी दिखता है अब इसमें क्या है आप कितना स्पैंक करना चाहते हो मतलब यू नो स्पैंकिंग इज लाइक कितना हार्ड कंप्रेस करना चाहते हो uh, वो इस तरीके से होता है सो लेट्स से ये आप इसे स्पैंक ये किक पे हमने लगाया हुआ सो यू कैन सी कि स्पैंकिंग जो है ना इधर बढ़ रहा है यू कॉन्ट हियर इट बिकॉज इट्स लाइक अभी जो पूरा का पूरा जो ड्राई um, सिग्नल है उधर की तरफ ये वेट सिग्नल की तरफ करते हैं तो यू विल बी एबल टू लिसन टू दिस इज हाउ इट साउंड थोड़ा वॉल्यूम ट्रेम कर देते हैं ऐसे में so अटैक भी ब्राप्राप कितना बढ़ जा रहा है तो केस ऐसे टाइम में यू नो यू वॉन्ट समथिंग टू बी पंची एंड ऑल ऐसे में बड़ा हैंडी हो सकता है तो यू हैव द ड्राई सिग्नल उसके साथ में आप ये जो ब्रैप्रैप है उसको ब्लेंड कर देते हो तो टू तो टेस्ट सो यू कैट अ कैरेक्टरिस्टिक एक साउंड का अटैक एंड ऑल और वो सारी चीज़ है बट इसमें में दिस इज थिंग दैट यू कैन ओनली डू एंड मेरे ख्याल से अगर आपको स्पैंक ही करना है इवन ऑन द हायर रेशियोज़ सो मोस्ट ऑफ द डॉज है प्लग इंस तो आप हायर रेशियो को रेशियो ले आओ और अटैक रिलीज अपने हिसाब से सेट कर लो एंड यू जस्ट स्पेंक द सिग्नल समथिंग लाइक दिस Uh, ये ऊपर वाले को बंद कर रहे हैं ठीक है ये स्टॉक वाले कंप्रेसर में देख रहे हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट है ठीक है, है? एकदम इसका खून पी लेते हैं एंड देन व्हाट यू डू इज जस्ट ये से ये इधर ले आया ना तो इट्स लाइक ड्राई सिग्नल एंड यू ब्लेंड द वेट सिग्नल ठीक है अगर आपने थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन और वो सब भी ऐड किया हुआ है मेकअप भी ऐड किया हुआ है विद एंड देन यू यू कैन सी दैट दिस इज़ हाउ इट वर्कस है ना आपका ड्राई सिग्नल दिस इज और वाइट सिग्नल है ना तो टिक टिक वाली साउंड हो गई बिल्कुल यू हैव जस्ट रिट ऑल मतलब जो भी है तो ऐसा पर्पस हो सकता है दूसरा आप ये कर सकते हो कि एक कंप्रेसर को आपने पैरल किसी दूसरे बस पे या किसी और ट्रैक पर लगाया हो वहाँ पर आपने ओवर प्रोसेस कर दिया है और उस वाले ट्रैक को आपका जो ड्राई औरिजिनल ट्रैक है उसके साथ में वॉल्यूम मैच करके अपने ब्लेंड कर दिया सेम थिंग बट समटाइम्स जब लंबा हो जाता है ना काम तो आदमी करना नहीं चाहता तो लेट्स हैव अ लुक एट कि ये हमें क्या देता है सो so, सिमिलरली ये केक का ट्रैक है ये ऑटो गेन वाला सेटिंग है जो पुराने वाले वर्जन में ऑटो गेन का ऑप्शन ही नहीं था अपने पास में ठीक है एज वेल एज अगर आप ये ट्वीक वाले बटन को ऑन करोगे तो विल सी अ लॉट ऑफ अदर स्टफ दैट यू कैन ट्वीक लाइक फॉर इंस्टेंस अटैक और रिलीज आप ट्वीक कर सकते हो रेशियो को आप ट्वीक कर सकते हो कि कितना पंची और कितना हायर रेशियोज़ पे आप कंप्रेस कर रहे हो है ना पंच को आप बड़ा घटा सकते हो यू कैन एड हार्मोनिक्स या ना यानी थोड़ा डिस्टॉशन एंड ऑल तो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक को आप थोड़ा वैसा और कर सकते हो शेप स्माइली कर्व बनेगा तो लोज और हाई एंड्स बूस्ट होगी तो वो एक वैसा टाइप का चीज आप बना सकते हो आप ये टिल्ट है तो इट्स लाइक like कि को ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो कि लोस को ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो वो वाला चीज को आप ऐसा टिल्ट करके डिसाइड कर सकते हो इसमें एज वेल एज यहां पे यू कैन से कि प्रिजर्व दिस वाला जो ऑप्शन है कि भाई इससे नीचे का सिग्नल को कंप्रेस मत करो या ऐसा करो कि यहाँ अगर आप करो तो इससे ऊपर का वाला जो सिग्नल है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रह जाएगा उसको कंप्रेस मर करो यू कैन डू अ लॉर ऑफ़ स्टफ़ विद दिस थिंग एंड सिंपल एज दैट ये हो गया हंड्रेड परसेंट वेट और ये हो गया आपका हंड्रेड परसेंट ड्राई और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज ये जो हमारा जो ये लेफ्ट और राइट एक्सिस है दिस इज़ लाइक आवर आवर जो इंटेंसिटी हुआ ना जो थ्रेश होल्ड बेसिकली आप कंप्रेसर में सेट करोगे जो हम ये कंप्रेसर में थ्रेश सेट करेंगे ना तभी जाकर के ये कांटा हिलेगा तो वो थ्रेश होल्ड का काम यहाँ पे ये जो चीज़ है कर रहा है कि कितना इनपुट सिग्नल आ रहा है उसके हिसाब से आप कहाँ से थ्रेश होल्ड ले रहे हो और जितना आप पुश करते जा रहे हो तो उस हिसाब से आपका ये हो रहा है सो लेट्स हैव अ लुक एट ये साउंड हमारा कुछ ऐसा है इसको भी खोल ही लेते हैं देन वी हैव समथिंग लाइक दिस ऑफ करते हैं ऐसा ही साउंड ऑन करते हैं ऑलरेडी यू गैट दैट क्लिकी क्लिकी सा साउंड है ना अगर आप इसे एकदम ही अटैक फास्ट करते हो तो ट्रांजिएंट किल हो जाता है सी कैसा बन जाता है साउंड एंड मोस्ट ऑबली आप ट्रांजिएंट किल नहीं करना चाहते हो अगर आप किक वगैरह को कर रहे हो इस तरीके से या मे भी पूरा पूरा ओवरऑल ड्रम बस के ऊपर भी अगर आप लगा रहे हो तो विल डू दैट इज वेल विल सी दैट दैटी यू गॉट दिस साउंड उसके बाद में ये अटैक है मतलब ये दिस इज द रिलीज थिंग इसको आप बढ़ा रहे हो है ना नेक्स्ट वो आने से पहले वो आपका काम करना यू you नो know, वो स्टॉप कर ले और रीसेट हो जाए और दोबारा से काम करने लग जाए उस तरीके से ही रेशियो को और पुश करो सो यू विल गेट अ डिफरेंट टोन सी दिस इज डिफरेंट साउंड एकदम फ्लैट है रेशियो Over compression एकदम thump एकदम वैसा आ रहा है इसमें and then let's say add some punch and yeah, something like this. क्लिकीनेस जो है उसका वह बढ़ जा है सो दिस कैन बी रियली ग्रेट ऑन बेस गिटार्स एज वेल जहां पे आपको वो क्लिकीनेस बढ़ाना हो या ए टू एट्स जिसपे आपको क्लिकीनेस बढ़ाना हो ताकि छोटे स्पीकर से भी वो पास थ्रू कर पाए सिमिलरली ऑन केक एंड स्टाफ वेल कई बार क्या होता है ना केक ऐसा बड़ा स्पीकर में आपने बड़ा टाइप का केक लगाया हुआ है ना इट्स अ राउंड एंड ह्यूज साउंडिंग केक पर उसका वो वैसा अटैक जो है और क्लिकीनेस जो है वो नहीं है तो छोटे स्पीकर में वो समझ में नहीं आता यू you नो know? तो ऐसा लगता है कि रिदम का सेंस थोड़ा खो जा रहा है ऑन टू लाइक जब कोई फ़ोन फान में ऐसा सुन रहा हो आपका या टी वी देख रहा हो तो दैट्स वन थिंग दैट कैन बी डन एज वेल सी हार्मोनिक्स यू सी साउंड कितना चेंज हो गया इसका एंड लॉट्स ऑफ डिस्टॉर्शन एंड थ्रेशोल्ड बढ़ाओ यू सी दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल खाली पैरल कंप्रेशन की तरह भी नहीं एज वेल एज जब हम ऐसा बेस गिटार या ए टू एच बहुत सारा ऐसा साउंड होता है जिसको प्रोसेस करते हैं और जिसपे हम चाहते हैं ना पीछे रहेगा बट फिर भी उसका जो एसेंस है वो सुनाई दे इसका जो जो डिस्टॉशन है इट डेफिनेटली हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर साउंडस गुड इट्स ईजी टू यूटिलाइज इतना सारा चीज़ आप एक प्लगिन में थोड़ा बहुत खटखट खटखट छेड़ रहे हो ये तो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं देख रहे हैं तो शायद हमको वो लग रहा है बट वंस यू हैव ट्वीकड इट ऑल मतलब आपने सारा पैरामीटर्स को समझ लिया तो इट विल भी लाइक रियली रियली फास्ट फॉर यू मतलब कौन से साउंड पे ये काम करेगा किस सिचुएशन में ये प्लग इन को इस्तेमाल करने से यू विट लाइक फास्टर रिजल्ट एन ऑल ऑल ऑफ दो टफ राइट ये शेप अपने वो कर लिया नॉलेज को से लो लो एंड का हो रहा है इधर टिल्ट हाई एंड सी दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट साउंड एंड इफ वी से यार लो एंड को छोड़ दे दिस इज अ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना मतलब कि आप लो एंड को वो नहीं कर रहे हो और हाई एंड को आप स्क्वीज कर रहे हो एंड खास कर अगर आप हाई एंड पैसा हार्मोनिक्स ऐड कर रहे हो तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग रिजल्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ है ना सिंथसाइज के ऊपर भी एज वेल सिंथ साउंड के ऊपर भी या कुछ ऐसा जो चॉपी वोकल्स और वैसे टाइप का चीज बनाते हो आप एज वेल एज ऑन ड्रम साउंड एंड बेस एंड एट ऑल सो दिस इज समथिंग एंड नाउ इफ वी जस्ट काइंड ऑफ लाइक स्टार्ट ब्लेंडिंग इट एंड से मे बी लेस एंड वी हैड दिस साउंड एंड वी नाउ हैव दिस which obviously has got you know um, cut through zyada karega aasani se through our dense mix and all नरम है ना किक मेरा बहुत पीछे खोया सा है एंड विद दिस इज़ कॉल दट ग्रेट ऑन द फेस पंच वाला चीज़ सो यू कैन यूज इट ऑन लाइक मल्टीपल थिंग्स ट्राई इट आउट ऑन योर ओन एज वेल एज देर इज दिस ओवर सैम्पलिंग फीचर तो जितना ज़्यादा ओवर सैम्पलिंग करोगे तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा वो सी भी खाएगा बट आपका जो सिग्नल जो है वो मोर एंड मोर क्लीन रहेगा समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड जब आप हैवी चीज़ों को वैसा प्रोसेस कर रहे हो बट मे बी यू ट्राई इट आउट जस्ट आई थिंक दिस गुड लिंक आपको पता ही है कहाँ पे है एज वेल एज़ अकेडमी का लिंक और बाकी सारी चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा थैंक्स फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे और कुछ बहुत ही मज़ेदार लॉन्च करने वाला हूँ फॉर पीपल हुआ लुकिंग टू गेट इन टू प्रोडक्शन एंड मे बी यू डोंट हैव दैट मच ऑफ कैश इन योर पॉकेट राइट नाउ बट आप चाहते हो कि यू you नो know, uh, सीखते रहें यू नो इन आ सीक्वेंस एंड ऑल और बिकॉज यूट्यूब पे जो हम वीडियो डालते हैं जानकारी तो बहुत मिल जाती है और आप इतने सारे लोगों से अलग, अलग अलग लोगों से सीख रहे हो एंड uh, सब का तरीका अलग है और प्रोडक्शन मिक्सिंग अप्रोचिंग ये वो एंड देन दर इज़ लाइक लॉट ऑफ नॉइज एंड तो uh, तरीका ऐसा है कि एक बार एक एक बंदे को साध लो ना एक चीज़ को साध लिया आपने एक टेक्निक को आप बहुत अच्छे से समझ गए एक प्रोडक्शन कि भाई ये बंदा अगर इस इस टाइप के अलग अलग टाइप के गाने बनाता है आप मिक्स करता है वट सो है दिस इज हिस टेक्निक अगर आपने वो नेल कर लिया तो देन यू कैन लाइक एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन अपने नए आइडियाज उस पर ला सकते हो एज़ वेल एज तब बहुत सारे और भी जो है दूसरे एडवांस टेक्निक से बहुत सारे अलग अलग नई नई चीज़ें आती रहेंगी यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैम एज वेल आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड ये जो टीचर्स डे आ रहा है कुछ समथिंग आई थिंक आई वो न आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू यूगाइ फॉर एवरी थिंग और ये जो कम्यूनिटी है हमारी उसके लिए सो आई ना डू मोर फॉर दिस एंड आई होप दैट यू कै लव दिस थिंग थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट अगर वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे सब्सक्राइब कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो एकेडमी uh, वगैरह का लिंक आपको उस पर मिल जाएगा बाकी कुछ भी यू कहना यू कैन फॉलो मतलब डी एम ऑन इंस्टाग्राम या ई कर सकते हो आप मेरे को सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार